Good evening class. Good afternoon good evening. Good morning actually <laughs> apart from good evening. Welcome to the session We're gonna do uh, part two of biotech support Good morning. Okay. Good afternoon. Good afternoon. So, are you guys ready? Totally ready? Okay. Super. So, today we're going to complete our restriction enzyme, plasmid, vector. So, basically, tools of recombinant DNA. That is what is um, our next topic. And after that, Definitely विल गी का नॉट the processes and एंड uh, okay सुबह so let's get started from here हाँ <laughs> हाँ वही करेंगे हम भी यही बचा है इलेवेंथ की बुक है नहीं नहीं इलेवेंथ की बुक नहीं इलेवेंथ के साथ ट्वेल्थ की बुक है शुरुआत करते हैं प्रोजेक्ट तुम्हारी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो तुम लोग प्रोजेक्ट में चलो बात करते खैर प्रोजेक्ट की बाद में अभी के लिए यहाँ पे इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक दिया अच्छा ये इन, इसको हम ना बहुत ही एन सीरीज़ को एनसीईआरटी सीरीज़ ही रखेंगे टोटली जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे हम लोग लेंगे आज का हमारा जो टॉपिक है आज हम आपको यहाँ तक पढ़ाएँगे जय इलेक्ट्रोफोर्सेस तक ये हमारा यहाँ तक है आज का डे टू ये कैसे हो गया है ये क्वालिटी मेरे में इतनी ख़राब आ रही है कि सच में ऐसी है ऐसा कुछ हो गया है ये वीडियो क्वालिटी ऐसा अजीब से क्यों आ रही है वाइट स्पॉट्स ना पहले तो ठीक थे अभी अचानक से क्या हो गए अभी बेटर एक तो सारे कलर ना यहाँ पे ब्लैक हो जाते हैं आई थिंक इट्स बेटर ना हाँ ठंड लग गई है हमें भी लग रहा है कैमरे को मेरे लेट्स सी वाइट स्पॉट वाइट इज हैपनिंग इधर में देखो तो ठीक ही है ये 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 परफेक्ट है नहीं परफेक्ट है <laughs> पता है कोई भी कलर पहनो सारे ब्लैक हो जाने हैं आ, आ, यार फोन ना पूरा दिन ही गिरता रहता है कल जो है रिपब्लिक डे थी तो सब ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम कुछ ट्रेडिशनल पहन के आना मैंने ट्राई किया ऑरेंज कलर ग्रीन कलर येलो कलर सारे के सारे ब्लैक हो जा रहे थे आज देखो आज मैंने ब्राउन पहना है दिख रहा है ब्लैक पहना है ब्राउन एंड ब्लू का ये हालत है वाह wow. क्या गड़बड़ है परफेक्ट नाउ थैंक यू तो चलो शुरुआत करते हैं यहाँ पे देखो बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें दी हैं फटाफट से इसको कर लेते हैं और हाँ ग्रीन स्क्रीन का कमान है यहाँ पे बोला गया है सबसे पहले हम लोग एक आ, एक बात करते हैं कि सबसे ये बायोटेक की शुरुआत कहाँ से हुई रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने आपको लास्ट डे बताया था दैट व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपको भी ये बताया गया था कि अगर आपके कोई भी वेक्टर में उठा के हमने अगर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया उसको हम बोलते थे रिकॉम्बिनेट डीएनए ठीक है आई हेट दिस वीडियो क्वालिटी खराब रहती है ना तो बताए बाकी में वीडियो क्वालिटी खराब हो मुझे दिखता नहीं है मैंने ना फेंक दो कैमरा कैमरा नहीं फेंक देंगे ये कुछ तो हुआ है इसके साथ में स्टार्टिंग में एकदम सही था और अभी कैसे हो गया ये देखते हैं आई एम सॉरी आई एम टेकिंग टाइम बट मुझे ऐसे ओ oh गॉड ऐसे ही रहना ही है मुझे ऐसे एक्चुअली पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है वीडियो क्वालिटी ख़राब रहने की वजह से ना देखो इधर में तो सही आ रहा है हाउ शुड आई चेक दिस ये वाइट स्पॉट्स क्यों आ रहे हैं ऐसे ही पढ़ाते हैं अब बाद में देखते हैं क्या है प्रॉब्लम ठीक है हाँ विल चेक लेटर ऑन अभी के लिए ऐसे ही ठीक है आ, सो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डी एन ए के बाद टेक्नोलॉजी की शुरू कहाँ से हुई एक लोग थे हमारे कौन थे आपके स्टैनले साहब स्टैनले ने क्या किया स्टैनले और हॉवर्ड हौ, बोयरे उन्होंने 1972 में आपका सलमोनिला टाइफी यू नो वॉट इज सलमोला टाइफेरियम बेसिकली वही जिधर से आपका बनता है ओ कॉडाज मैंने क्लास ही बंद कर देनी है ऐसे चलेगा तो वीडियो क्वालिटी हटा दो क्वालिटी कैसा भी कर दो यही रहेगा कलर चेंज करके देखते हैं शायद ठीक है थोड़ा हाँ भी ठीक है बस इतना काफ़ी है ओ oh गॉड सॉरी माई डर स्टूडेंट्स रियली रियली सॉरी सो वट आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि सबसे पहले एक लोग थे आपके स्टेनली एंड हॉर्बर्ट बाइवरी नाइनटीन सेवेंटी टू टी में इन्होंने एक, एक एंटीबायोटिक रजिस्टेंट जीन निकाला था एंटीबायोटिक रजिस्टेंट जीन्स कहाँ से निकाला था सबोलना टाइफी के प्लाजमिट से ठीक है और उसके बाद उसको क्या किया था एक काम करते हैं ये आपको समझाते हैं इस्टैनली साहब थे स्टैनली इन्होंने क्या किया एक बैक्टीरिया थी बैक्टीरिया सलमोल्ला टाइप थी उससे इन्होंने उसका प्लाज्मिड निकाल लिया ओके यू नो दैट एवरी हैव पर्टिकुलर ये देखो ये मान लो उनका प्लाज्मिड था ये प्लाज्मिड इन्होंने कहाँ से निकाला प्लाज्मिड इज वॉट आई होप यू नो वॉट इज प्लाज्मिड प्लाज्मिड आपका होता है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए इन बैक्टीरिया विच स्पेसिफिक फिनोटिपिक अपेरेंस इसके बहुत सारे काम होते हैं फिनोटिपिक बैक्टीरिया में क्या होता है ये आपकी किसी भी बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए आपका होता है जैसे ये आपका बैक्टीरिया नाइन्टी परसेंट बैक्टीरिया में होता है ये इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल है क्रोमोसोमल मटेरियल बगल में यहीं पे क्या होगा प्लाज्मिड होगा जो कि डबल स्टैंडर्ड होगा सर्कुलर होगा और ये प्लाज्मिड की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि इस पास बहुत अच्छे अच्छे जीन होते हैं दीज प्लाज्मिड्स हैव एंटीबायोटिक रजिस्टेंट साइट एंटी बायोटिक रजिस्टेंट साइट रजिस्टेंट जीन होते हैं उनके पास ओके okay? इनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं अब क्या होता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं प्लाज्मिड होते हैं इतना आपको पता है तो हमने आपको बोला कि सलमोनेला टाइफी टाइफीरियम एक आपकी बैक्टीरिया थी उसके इन्होंने प्लाज्मिड से एक पर्टिकुलर जीन निकाल लिया ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है और इस जीन को निकाल लिया लेट्स से ये जीन है ठीक है इस जीन को इन्होंने कैसे निकाला कैसे निकाला यहाँ पे एक कैची होती है मोलिकुलर सीजर होती है जिसको हम अभी आगे आपको पढ़ाएंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं इधर इधर से लगा के इन्होंने इसको काट दिया काट के एक जीन निकाल लिया फिर क्या किया इन्होंने यहाँ पे एक बैक्टीरिया है जिस बैक्टीरिया में इनको डालना है लेकिन आपका क्या होता है कि किसी भी बैक्टीरिया के अंदर या फिर किसी भी होस्ट सेल के अंदर आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को अगर ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है आप डायरेक्टली नहीं डाल सकते हो या इसको एलियन डीएनए बोलते हैं इसके लिए हमें किसी वेक्टर की जरूरत पड़ेगी तो इन्होंने एक दूसरा एक प्लाज्मिड निकाला जो कि वैक्टर के तरीके से काम करता है ओके उसमें इन्होंने अपना ये जीन ऑफ इंटरेस्ट लाके डाल दिया ओके पहले जो प्ला उसके बाद क्या किया इस पूरे पूरे नाउ दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अब इन्होंने उठा के इस बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर दिया यही काम इन्होंने किया था और इसी को तुम लोग परेशान मत हो इसी को पूरे डिटेलिंग में आपको पढ़ना है आगे ओके अभी के लिए आपको एकदम शॉर्ट में बता रहे हैं शॉर्ट में ये बता रहे हैं कि सबसे पहले हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको कट किया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से एक तरीके कैची होती है उसे सेम एंजाइम से हम अपने वेक्टर को कट करते हैं क्यों कट करेंगे क्योंकि जिससे कि इसमें जगह हो जाए ओके और उसके बाद यहां पे क्या करते हैं फिर उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं डीएनए आई से इसको जोड़ देते हैं दोनों को उठा के इसमें ट्रांसफर कर देते हैं यही आपका है टोटल ओवरऑल बायोटेक्नोलॉजी इसी के अराउंड आपकी बायोटेक रिवॉल्व करनी है लेकिन अभी हिस्ट्री बताया जा रहे हैं आपको टूल्स बताए जाएंगे फिर प्रोसेस आपको थोड़ा बाद में बताया जाएगा ठीक है हम डार्क पेन ही यूज कर रहे हैं परेशान बिल्कुल मत हो तो क्या ये चीज़ समझ आए नहीं भी समझ आए तो भी परेशान मत हो एक बार के लिए हम एनसीईआरटी रीड करते हैं आप सुनिए यहाँ पे क्या बोला गया है यहाँ पे बोला गया है आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहला आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल किसने बनाया था ठीक है तो आपका बनाया था स्टैनली और हार्बर्ट बॉवरी ने इन्होंने क्या बनाया था इन्होंने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपका बनाया था क्या किया था उन्होंने एक जीन निकाल लिया था कौन सा जीन निकाला था जो कि आपकी रजिस्टेंट जीन होती है एक प्लाजमिट से ठीक है प्लाज्मिड का यानी उन्होंने बोला है ऑटोनोमसली रेप्लीकेटिंग सर्कुलर एक्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए बेसिकली प्लाज्मिड का डेफिनेशन दिया है कहां से निकाला था सलमोल्ला टाइफेरियम से फिर स्टेनली और हार्बर्ट ने क्या किया था ये 1972 में किया था एनसीआर में बहुत ऊपर नीचे लिखा है कोई सिक्वेंस नहीं है ठीक है इन्होंने आइसोलेट किया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन किस से बाई कटिंग आउट अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम द प्लाजमेट क्योंकि आपका जो जीन होगा किसी ना किसी डीएनए में होगा जो रिस्पांसिबल था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट के लिए ओ oh गॉड हम इसका बगल में शॉर्ट नोट लिखवा रहे हैं बहुत गंदा लिखा हुआ है द कटिंग ऑफ डीएनए स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ सो कॉल्ड मॉलिकुलर सीजर जिसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं ये उसी की बात कर रहे हैं ठीक है द कट पीस इन्होंने कट पीस को क्या किया डीएनए के कट पीस को जोड़ दिया प्लाज्मिट से ठीक है दीज प्लाज्मिट ऑफ डीएनए एक्ट्स एज अ वेक्टर ये वेक्टर की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका जो अटैच डीएनए था वो पास हुआ ओ oh गॉड इसको हम बगल में आपको पूरा हम सीक्वेंस लिखवाना ही पड़ जाएगा मुझे बहुत ही गंदा लिखा हुआ है यहां इन्होंने किया क्या था स्टैनली एंड क्या नाम है इनका कोई साइंटिस्ट का नेम बता सकता है Anyone? एन एंड बोयर ओके नाइनटीन सेवेंटी टू में फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था आर डीएनए ठीक है इसके लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया था इसके लिए सबसे पहले उन्होंने एक बहुत सिंपल सा काम किया था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आइसोलेटेड फर्स्ट स्टेप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन फ्रॉम प्लाजमिट ऑफ विच बैक्टीरिया किसी को याद है बहुत देखो पेशेंस की जरूरत पड़ेगी ये चैप्टर किसके किसके प्लाज्मिट ऑफ विच बैक्टीरिया प्लाज्मिट ऑफ सलमोनिलाईफीरियम टाइफी नोरियम यह इसका फुल नेम था ठीक है सबसे पहला स्टेप इन्होंने क्या किया अपना ये बेसिकली अगर आपको हम बताना चाहें इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं आइसोलेटिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट इनका जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट तो इसको अगर सिंपल भाषा में लिखना चाहें तो इन्होंने सबसे पहला काम किया है आइसोलेटिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट अब इनका जीन ऑफ इंटरेस्ट का सोर्स क्या है वो भी यहां पे डिफाइन किया गया है बाकी जितनी भी रिकॉम्बिनेंट आप आर डी टेक्नोलॉजी पढ़ोगे ना सब में सबसे पहला टास्क यही रहेगा कि आपको जो जीन निकालना है जिस जीन में आपको इंटरेस्ट है जो जीन आपको डीएनए आपको निकालना है वो जीन निकालो तो इन्होंने क्या किया मान लो ये बैक्टीरियम है ठीक है इस बैक्टीरिया में इसका प्लाज्मिड है ये यहाँ पे प्लाज्मिड है इसके प्लाज्मिड से इन्होंने इसको काट के इस डी को इन्होंने आइसोलेट कर लिया है ये देखो इस डी को इन्होंने आइसोलेट कर लिया है ये इनका जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये इनका आपका पहला काम था और यही हर किसी में होगा और कुछ होना नहीं है ठीक है अब यहां से पूछा जाता है बैक्टीरियम के मेन डीएनए से इन्होंने नहीं निकाला था अब इसको कट किस कैसे किया था अब यहां पे सेकेंड चीज है सेकेंड uh, इन्होंने बाई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिखी दो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसके बाद इन्होंने क्या किया था इन्होंने डीएनए को जोड़ दिया था प्लाज्मिक डीएनए में ठीक है अटैच्ड शॉर्ट में यहां पे दिया गया है बाकी इसका फुल, फुल लिखाया जाएगा अटैच्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट टू एनदर अदर स्लैश वेक्टर बाय यूजिंग आरी एंड डीएनए आईगेस ये इन बहुत गंदा लिखी हुई है और हम एक्चुअली साइड में पढ़ाना नहीं चाह रहे थे ठीक है ये दूसरा काम हुआ ये मैंने क्या बोला कि ये मान लो दूसरा वेक्टर है कोई दूसरा प्लाजमेट है जो कि वेक्टर के तरीके से काम करेगा इसके बाद इन्होंने क्या किया सबसे पहले इसको आ से ट्रीट किया आर से ट्रीट करने के बाद ही तभी तो इसमें जगह आएगी ठीक है फिर इसमें इन्होंने क्या किया यहाँ पे इन्होंने ला के अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को डीएनए लाइगेस से जोड़ दिया ये इनका सेकंड है यहाँ पे डीएनए लाइगेस से जोड़ दिया ये इतना इन्होंने काम किया ओके okay? देखो एक प्लाजमेट से इन्होंने निकाला है और दूसरे प्लाज्मेट से इन्होंने दूसरे को उठा के जोड़ा है एक प्लाज्मेट में एक प्लाजमेट यहां पे आपका सोर्स का काम का कर रहा है दूसरा प्लाज्मेट यहां पे वेक्टर का काम कर का रहा है इस चीज को समझ नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे नहीं 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 वो दूसरा प्लाज्मेट था वही हम आपको बता रहे हैं उसी प्लाज्मिट को उसी प्लाज्मिट को इन्होंने नहीं यूज किया है दूसरा प्लाज्मेट है ठीक है वो भी यूज हो ही सकता है लेकिन यहां इन्होंने नहीं किया उसके बाद इन्होंने क्या किया इस पूरे वेक्टर को थर्ड स्टेप इन्होंने क्या किया थर्ड स्टेप इन्होंने किया आपका कि पूरे पूरे वेक्टर को उठा के डाल दिया टू अ डिफरेंट बैक्टीरिया ठीक है यही इन्होंने काम किया था कटिंग डीएनए स्पेसिफिक लोकेशन उन्होंने के डाल दिया वेक्टर को दूसरे डीएनए में वेक्टर स्लैश प्लाजमेट ट्रांसफर्ड टू होस्ट सेल अब होस्ट सेल यहां पर स्पेसिफाई जहां तक मैंशन नहीं किया है यह जो स्टेप आपका कराया गया यह पता है क्या है यह स्टेप है ट्रांसफॉर्मेशन ये ट्रांसफॉर्मेशन अभी आपकी पूरा चैप्टर इसी पर रिवॉल्व करेगा इसी वजह से एक्चुअली चैप्टर ये टॉपिक ना हम लास्ट में पढ़ाने के मूड में थे लेकिन फिर आज स्टार्ट कर दिए पता नहीं क्यों अदरवाइज आइट इज दिस टॉपिक एट दी एंड ओके तो थोड़ा चलो आपको आइडिया मिल गया है कि हमें आइसोलेशन करना पड़ेगा रेस्ट्रिक्शन इन्ज़ाइम का यूज़ होगा वेक्टर नाम की कोई चीज़ होगी फिर हमें ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है मतलब तुम्हें कुछ कुछ आइडिया रॉ आइडिया लग रहा है कि है क्या ठीक है और कुछ है नहीं वैक्टर कैसे काम करता है वैक्टर काम करता है कैरियर के तरीके से जैसे ऑटो वाले भैया आपको क्या करते हैं मान लो तुम हो ये तो तुम्हें ले जाते हैं उसके बाद छोड़ के आते हैं तो वही एक काम है जैसे दूसरे वेक्टर का एग्जाम्पल आपके एन में दिया है जैसे मॉस्क्यूटो वगैरह क्या करते हैं वो कोई भी आपके आ, डिसीज को ट्रांसपोर्ट करते हैं ना तो ये टैक्सी के तरीके से काम करता है वही काम यहाँ पे है ये देखो वेक्टर है ये वेक्टर आएगा ये साथ में इसको लेके आएगा जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेके आएगा यहाँ पे इसके अंदर घुस जाएगा फिर अब बैक्टीरिया जितना डिवाइड करेगी इसका भी जीन क्लोनिंग हो जाएगा बस ये चीज है ठीक है मज़ा अभी नहीं आएगा यार चैप्टर के हम बोलते हैं बायोटेक में बायोटेक में सबसे बड़ा टास्क ये कि बायोटेक के स्टार्टिंग में मज़ा नहीं आता है कभी नहीं आएगा एनसीआरटी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे तो बिल्कुल नहीं आएगा वन शॉट में भले आ जाए तो इसलिए थोड़ा सा सब्र करो आ, ये देखो यहाँ पे बोला गया वेक्टर डिफाइन किया गया कि मॉस्क्यूटो जैसे कि वो क्या करता है हमें द, मलेरिया पैरासाइट को हमारी बॉडी तक लाता है वैसे ही प्लाजमिट बोला गया है कि प्लाज्मिट कैन बी यूज्ड एज अ वेक्टर टू डिलीवर एलियन पीस ऑफ डीएनए देखो प्लाज्मिड का दो काम है दो काम बोल दो क्या अभी के लिए प्लाज्मिड है क्या डीएनए ही है डीएनए ही तो है तो उसको या तो हम सोर्स ऑफ डीएनए की तरह यूज कर लें और या फिर हम उसको चाहें तो आपका यूज कर लें वैक्टर के तरीके से वही चीज यहां पे है द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद द प्लाज्मिक वैक्टर वी केम पॉसिबल विद द एंजाइम ऑफ डीएनए एन लाइगेज वही आपको पहले बताया था कि जोड़ा किससे गया लाइगेज आपका मॉलिक्यूल ग्लू है विच एक्ट्स ऑन द कट डीएनए मॉलिक्यूल एंड ज्वाइंस दियर एंड ठीक है दिस मेक्स अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर एंड ऑटोनॉमिकली रिप्लीकेटेड डीएनए क्रिएटेड इन विट्रो नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए रिकॉम्बिनें डीएनए वही मैंने आपको बोला था कि जब वैक्टर में उठा के पीस ऑफ डीएनए को जोड़ दो वही आपका रिकॉम्बेंट डीएनए होता है ये जो आपका बना है ये दिस इज रिकॉम्बिडेंट डीएनए दिस इज आर डीएनए आर डीएनए क्या है ये एकदम दिमाग में बैठा लो वेन दिस डीएन एज ट्रांसफर्ड इन टू द ईकोलाई बैक्टीरियम देख रहे हो हमने क्या किया हमने सलमोनेला टाइफी वाला उठा के ईकोलाई e. में ट्रांसफर किया है यहाँ पे चलो होस्ट सेल का नेम भी दिया है तो यहाँ पे तुम ईकोलाई e. लिख लो सलमोनिला टाइफी का जीन उन्होंने उठाकर डाल दिया ईकोलाई e. में देख रहे हो क्या, क्या क्या काम कर रहे हैं हु इज रिलेटेड टू सलमोनिला टाइफी भाई बैक्टीरिया में ये इट कुड बी रेप्लीकेटिंग यूज द होस्ट सेल वाई सेम चीज़ है इसमें कुछ आपका खास है नहीं दबिलिटी ऑफ मल्टीप्लाइंग द कॉपी क्या ही करोगे इस पैराग्राफ को ना हम फिर से पढ़ाएंगे जब एक बार हमारा पूरा बायोटेक का आगे का पोर्शन खत्म हो जाएगा तब यहाँ पे आके फिर से पढ़ना आपको ये टॉपिक पूरा समझ आएगा कल मैंने आपको पढ़ा कल मैंने पॉइंट मार्क कर दिया था कि विल टीच आफ्टर बायोटेक लेकिन आज क्या मन में था मुझे पता नहीं है यू कैन हेंस इनफोर दैट देर आर ये देखो यहाँ पे तीन बेसिक स्टेप बताया गया हम लोग आइडेंटिफिकेशन करेंगे डिजायर जीन का फिर उसको डी एन सेल में डालेंगे फिर एक प्रॉपर एम्बियंस बनाएंगे जिससे कि होस्ट सेल आपका ट्रांसफर कर सके प्रोजनी में और रिप्लीकेट भी कर सके ये सब कुछ मत पढ़ो अभी अभी के लिए टूल्स पढ़ो फिर हम प्रोसेस पढ़ाएंगे एक ब्लैक चार्ट पे फिर आके यहां पे कनेक्ट करना सबसे पहले टूल्स ऑफ टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए में आपका आ जाता है सबसे पहले आ गया रिकॉम्ब रिस्ट्रिक्शन इनजाइम क्योंकि ये मोलिकुलर का सीजर का काम करता है तो ये है क्या कैसे काम करता है ये हमारे लिए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है ओके या तो यही इतनी सी बात है आज तुम लोग का को तो कोई टेस्ट है नहीं तुम लोग का एक टेस्ट रखेंगे बायोटेक का विल सी नाउ वी नो फ्रॉम दी फॉर गोइंग डिस्कशन द जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉमेंडेड डीएनए एन का ये तुम्हें सिंपल सी बात बताया गया कि तुम्हें इतना देर जो बकबक किए स्टैनली का तुम्हें पूरी कहानी एन सुन, सुनाई है वो सिर्फ इतना तुम्हें बताने के लिए बताया है उसे भी पता है कभी तुम्हें कुछ नहीं समझ आएगा ये तुम्हें ये बता रही है कि जो डिस्कशन हो रहा है तुम्हें इतना सिर्फ समझ आएगा कि भाई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कुछ नाम की चीज होती है पॉलीमरेज एंजाइम नाम का कोई चीज होता है लाइगेस कुछ होता है बताएंगे भी वेक्टर कुछ होता है होस्ट सेल कुछ होता है इतना कुछ कॉन्सेप्ट आ रहा है अब एक एक करके ये दिस, आपका डिस्क्राइब किया जाएगा ओके नहीं मैम ने भी मैम ने अभी स्टार्ट नहीं किया है लेकिन अभी हम जो करा रहे हैं आप इससे समझ सकते हो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बहुत प्यारा सा टॉपिक है 1963 में आपका दो एंजाइम निकाले गए थे ठीक है जो जो कि क्या करते थे इसको हम थोड़ा समझा देते हैं ब्लैंक स्लाइड पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दो टाइप के होते हैं एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सो न्यूक्लियस एंड एक्सो टाइम टाइम टेस्ट का आज शायद सात बजे है शाम में ओह माई गॉड कल है शायद आज नहीं कल है सॉरी फोन टूट जाता है ना कोई दिक्कत नहीं है आईपैड चला गया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी देखो ये क्या है मोलिकुलर सीजर है सीज़र है सीज़र की स्पेलिंग क्या है देख लेना ओके एंडो न्यूक्लियस एक्जो न्यूक्लियस ये क्या करता है आपका कट करता है इतना आपको पता है लेकिन अब बात ये नहीं समझ आती है कि अगर मान लो इसका नाम अगर सीज़र है तो मोलिकुलर सीज़र कुछ ऐसा नाम होना चाहिए ठीक है हाँ बिल्कुल नहीं देंगे और उसके बाद यहाँ पे आपका क्या है एंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस दो तरीके का है अब बात ये आती है सबसे पहले ये है क्या कहाँ से आए इनका नाम रिस्ट्रिक्शन इंडो एंजाइम क्यों है ठीक है इनको हमने निकाला कहाँ से ठीक है फ्रॉम वेयर वी हैव एक्सट्रैक्टेड ये एक्सट्रैक्ट होते हैं बैक्टीरिया से बैक्टीरिया ये मान लो एक बैक्टीरिया है ठीक है हमने देखा कि एक बैक्टीरिया है अब ये बैक्टीरिया का अपना खुद का आपका डी एन ए है जेनेटिक मटेरियल है ठीक है अब ये क्या होता है इस बैक्टीरिया पे अच्छा अपना खासा अपना ज़िंदगी जी जी रहा था ठीक है ये हम कहानी बता रहे हैं कि हमने हमें कैसे पता चला कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मॉलिकुलर सीज़र का काम करता है हमें कैसे पता चला कि ये आपका कट कर सकता है डीएनए को ये उसकी कहानी है ठीक है कि हाउ वी नो इट कैन कट तो उसी की आपकी जो स्टोरी आई है यहाँ से आपकी शुरू हुई है कि देखो हुआ क्या यहाँ पे आपका एक बैक्टीरियो फ़ाज़ हुआ करता था हमने देखा कि एक बैक्टीरियो फाज़ है जो बैक्टीरिया का बहुत बड़ा दुश्मन है ये क्या करता है ये अपना जो है जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर आपका भेज देता है ओके भेज के ये बैक्टीरियो फ़ाज़ चाहता है दिस इज़ बैक्टीरियो फाज बैक्टीरियो फेज याज जो भी बोल दो ये चाहता है कि हम इस पर इसके जेनेटिक मटेरियल पे अटैक करें इसकी पूरी मशीनरी हम क्या करें एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना ठीक है आ, इसकी पूरी जेनेटिक इसकी जो भी मशीनरी है उसको हम डिस्ट्रॉय कर दें इसको बैक्टीरिया को हम अपने वश में कर लें इसको पूरा काम ख़त्म कर दें लेकिन बैक्टीरिया भी भाई अपना है उसने बोला कि देखो हम हैं तो बहुत छोटे लेकिन छोटा बच्चा समझ के मुझे बिल्कुल डराना नहीं और तुम्हारी तो नानी याद आ जाएगी हम कुछ ऐसा करेंगे तुम्हारे साथ तो इस बैक्टीरिया ने क्या किया इस बैक्टीरिया ने एक एंजाइम निकाला ठीक है इस बैक्टीरिया ने एक एंजाइम निकाला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्स ये देखो ये कैसे एंजाइम निकाला ये एंजाइम भाई ये अपने आप को पूरा मतलब ये ऐसे खड़ा हो गया लेके ये आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ओके गुं। इसने क्या किया एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना कि हमने कहाँ से निकाला है तो इसने क्या किया इसने इसके डीएनए को कट कर दिया जो बैक्टेरियो फाज ने अपने डीएनए किया था ना उसके उसमें इतने टुकड़े लगाए कि बेचारे से छोटे 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 टुकड़ों में टूट गया ठीक है तो अगर आप किसी का किसी का भी अगर आप जेनेटिक मटेरियल डिस्ट्रॉय कर दो तो वो फिर उसकी हालत कुछ रहती नहीं है तो बेसिकली इसने क्या किया और अगर आपको पता है ये एंजाइम नहीं होता तब क्या होता है एड्स वाला स्टोरी पता है कोई भी वायरस होते हैं बैक्टेरियो फेज वगैरह अगर किसी के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल डाल दिए ठीक है वो क्या करता है वो तुम्हारे जेनेटिक मटेरियल के साथ इंकॉपरेट करके और तुम्हारी सेल के अंदर इतना बैक्टीरियो फेज बनाता है कि पूछो नहीं ये नॉर्मली होता है जैसे कि आपने एड्स में पढ़ा होगा कि जो वायरस होते हैं वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल किसी से भी सेल के अंदर इंसर्ट करते हैं फिर उसकी पूरी मशीनरी यूज करके और अपना खुद की पूरी गैंग तैयार कर लेते हैं लेकिन यहां पे इसने क्या किया मतलब यहां पे आपका क्या होता बहुत सारी बैक्टीरियो फेज इस बैक्टीरिया के अंदर ग्रो हो जाते लेकिन इस बैक्टीरिया ने आप देख रहे हो बैक्टीरियो फेज की ग्रोथ नहीं होने दी इसकी ग्रोथ को रोका तो इसी वजह से हम लोग इस एंजाइम का नेम देते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसका नेम देते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्योंकि व्हाट इट डज ये आपका बैक्टीरिया प्रोड्यूस करती है और किस लिए प्रोड्यूस करती है यह अपनी सुरक्षा के लिए प्रोड्यूस करती है कि जिससे आपका हमारे इसकी बॉडी में आपका बैक्टीरियो फेज का ग्रोथ ना हो ठीक है लेकिन हम ठहरे हम हमने कहा अरे वाह यार मतलब एकदम सही हमारे काम का इंसान मिला है अब हम तो इसको निकाल लेंगे तो हम हम भी बड़े इंसान क्या है हम हम तो किसी को नहीं छोड़ते हैं बैक्टीरिया से दही बनवा रहे हैं घर की तो बात क्या है ईस से बनवा के दारू बनवा के पी रहे हैं तो इसको कहाँ से छोड़ेंगे तो हम जैसे जो इंसान है महारथी जो साइंटिस्ट जिसे हम बोलते हैं हमने क्या किया इसकी बॉडी से ये एंजाइम निकाल लिया ये एंजाइम हमने निकाल लिया अब हमारे पास आ गया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अब हम इसको की तरीके से यूज कर रहे हैं हम के भाई टेलर अब हम ही है अब हम बताएंगे क्या काटना है क्या नहीं काटना है सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसी वजह से हुआ क्योंकि ये अपनी सुरक्षा के लिए अपनी बॉडी के अंदर बैक्टीरियो फेस के ग्रोथ को कट करता है इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये आपके डीएनए को काटेगा ये जेनेटिक मटेरियल को काटेगा अब दो तरीके के होते हैं इसमें एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं दे कट फ्रॉम द मिडल फ्रॉम द स्पेसिफिक सिक्वेंस स्पेसिफिक सिक्वेंस ओके okay? लाइक like ये डीएनए है ठीक है तो इनका अपना सीक्वेंस होता है कि यहां से काटेंगे यहां से काटेंगे मतलब स्पेसिफिक सीक्वेंस से काटते हैं वो कुछ नहीं समझ आता वो एकदम मतलब महान आत्मा है ये एक साइड से काटता है फ्रॉम एंड फ्रॉम एंड मतलब ये हमने इसके सामने डीएनए रख दिया ठीक है ये इधर से लग जाएगा काटना शुरू कर देगा ये यहां से लग के एक तरफ से काटना शुरू कर देगा तो ये इसकी प्रॉब्लम है तो अभी अब इसे याद रखना एक्जो न्यूक्लियस एंडो न्यूक्लियस एक्स याद रखना एक्स है वो ठीक है वो कहीं स्पेसिफिक सीक्वेंस नहीं ढूंढेगी वो एक तरफ से ही तुम्हें बर्बाद करेगी ओके सो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि एक्स है तो एंड से काटेगी एक्स है तो खत्म है एंड एक्स तभी हुआ ना यू नो वी यूज द टर्म एक्स वेन दैट पर्सन इज नॉट इन आर लाइफ सो वही चीज है एंड मतलब खत्म और एक्स मतलब खत्म तो शीर्षक याद रखना इट कट्स फ्रॉम एंड दैट इज एक्सो इफ इट कट्स फ्रॉम दी स्पेसिफिक साइड देन इट इज एंडो न्यूक्लियर ठीक है ये इसके ट्रिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से पूछा जाता है अच्छा एक सवाल और आता है सबके मन में एक सवाल ये आता है कि मैम ये यहां पे जो आपका ये मतलब ये रिस्ट्रिक्शन इंजाइम है ये डीएनए को कट कर सकता है जेनेटिक मटेरियल को कट कर सकता है ये अपने खुद के डीएनए को क्यों नहीं काट देता काट तो सकता है ना ये तो वही चीज है कि आप बॉम घर में रखे हो तो आपका खुद का भी घर तो उड़ सकता है तो उसके लिए कुछ ना जैसे कि आप गन लेके चल रहे हो आप दूसरे को मारने जा रहे हो तो हो सकता है शायद आप भी उड़ो तो हमें कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन रखना होगा वही सेम चीज यहाँ पे होता है कि बैक्टीरिया को पता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काट सकता है जेनेटिक मटेरियल को तो ये अपने ऊपर मिथाइल की कैप पहन के रखती है किसकी मिथाइल ग्रुप की तो मिथाइल ग्रुप अगर कहीं पर लग जाता है तो उसके बाद आपका ये नहीं कट करता है मिथाइलेशन उसको बोलते हैं अगर किसी चीज़ के ऊपर मिथाइलेशन कर दो किसी जेनेटिक मटेरियल के ऊपर तो वो क्या करेगा वो आपका कट नहीं कर सकता रिस्ट्रिक्शन देखो वही कहानी हाँ पे लिखा गया है दूसरी नौ सौ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अभी तक निकल चुके हैं तो 900 का नेम तो बहुत अजीब हो जाएगा ना तो इसलिए नेमिंग का एक प्रोसेस दिया गया है कि जिससे हमारे लिए याद करना और समझना बहुत आसान हो ठीक है कि कहां से निकाला गया क्या है तो नेमिंग हम आपको बता रहे हैं जैसे कि एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं इको आर वन नेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन यहां से आता है इको आर वन ये क्या है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ठीक है जब भी किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का फर्स्ट नेम देखो जैसे हम लोग हैं लेट्स से निकिता शुक्ला देखो हम लोग का भी नेम का कहीं ना कहीं रूल है एक अनरिटन रूल है बट है लाइक like, फर्स्ट वाला हमारा नेम हमारा पर्टिकुलर हमारी क्या आइडेंटिटी वो रिप्रेजेंट करेगा हमारा जो लास्ट नेम रिप्रेजेंट करता है कि लाइक हमारा हमारे पेरेंट्स क्या है हमारी जनरेशन क्या है जैसे कुछ लोग देखिये बहुत जगह पे ये होता है कि वो अपने फादर का नेम यूज करते हैं ओके दे यूज दियर फादर नेम इन बिटवीन देम ठीक है जैसे हर समटाइम्स दे यूज द मदर नेम सो ये एक चीज है वही सेम चीज यहां पे है कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नेम होगा वो आपका होगा जो फर्स्ट नेम होता है जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है वो उनका जीनस रिप्रेजेंट करता है जीनस मतलब जिस बैक्टीरिया से रिप्रेजेंट किया है जिस बैक्टीरिया से निकाला जीनस ऑफ बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल यहां पे ये ई रिप्रेजेंट कर रहा है एशराइजा ओ गॉड आई हाउ कैन ए स्पेलिंग ऑफ एशराइज की स्पेलिंग बताओ फटाफट से जल्दी से हा महाराष्ट्र में यूज करते हैं थैंक यू ओके यूराइजर क्या है एक बैक्टीरिया बैक्टीरिया का जीनस नेम है जीनस नेम ऑफ बैक्टीरिया जिस बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट हुआ है उसका जीनस नेम फर्स्ट अल्फाबेट होगा सेकेंड जो होता है ये ये स्मॉल लेटर से लिखा जाता है और ये रिप्रेजेंट करता है स्पेसीज या स्पेसिफिक एपिथेट ट करेगा ऑफ बैक्टीरिया जिससे निकाला गया है ठीक है जैसे यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है कोली यू नो एस्टराइजर कोली और आर रिप्रेजेंट करता है आपका स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपका क्या है यहां पर आपका यह बहुत इंपॉर्टेंट है यह बहुत इंपॉर्टेंट अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है उतना पढ़ाया गया है हा सो so यह आर आपका रिप्रेजेंट करता है यहां पर रफ स्ट्रेन होता है रफ वन आपका क्या है ऑर्डर ऑफ एक्सट्रैक्शन कब निकाला गया है ऑर्डर ऑफ एक्सट्रैक्शन ठीक है जैसे इसके बाद इको आर वन इको आर टू इको आर थ्री हिंद वन हिंद टू आर वन ऐसे करके आपका होता है ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा बहुत लोग को डाउट होता है कि हिंद टू हिंद टू आपका ये फर्स्ट कैसे हुआ दिस इज द फर्स्ट आर ई डिस्कवर्ड तो कुछ लोग सोचते हैं कि मैम यहां पे टू क्यों है वन क्यों नहीं है उसका रीजन ये है कि हमारा ये रिप्रेजेंट करता ऑर्डर ऑफ एक्सट्रैक्शन ना कि ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी तो हमने एक्चुअल में डिस्कवर कर लिया था हिंद टू पहले लेकिन हमने हिंद वन को पहले एक्सट्रैक्ट किया था इस वजह से इसका नाम हिंद टू है एच यहां पे क्या रिप्रेजेंट करता है हिमोफिलस जीनस नेम ई क्या रिप्रेजेंट करता है इन्फ्लुनजे डी उसका स्ट्रेन सब में यही होता है जेनरिक नेम स्पेसिफिक एपिथेट स्ट्रेन ऑर्डर ऑफ एक्सट्रैक्शन ये इतना आपको याद होना चाहिए आ जाओ देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है अच्छा मैंने 900 हंड्रेड रिस्ट्रिक्शन आ जाओ यहाँ पे देखें क्या क्या है यहाँ पे बोला गया है कि आ, ओके एंजाइम निकाला गया रिस्ट्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल और रिस्ट्रिक्शन द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया फेज यू को ये हमने कर लिया है जो हमने निकाला था और इसमें क्या बोला गया है मेथिल ग्रुप अगर हम ऐड कर देंगे वाइल्ड द अदर कट द डी एन ए द लेटर वॉज कॉल्ड आरिया एनजाइम ये बहुत ही गंदा लिखा हुआ है बट जो मैंने बताया वही है या हिंद वन हाँ हमने इसको डिस्कवर किया था फिर ये चीज़ था यहाँ पे आते हैं फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस हमारा हिंद टू था अच्छा इस चैप्टर में हम लोग इंडो न्यूक्लियस ही मेनली पढ़ेंगे एक्जो न्यूक्लियस का हमारे यहाँ पे काम नहीं है ठीक है हम लोग यहाँ पे हिंदो आपका इंडो न्यूक्लियस ही पढ़ेंगे यहाँ पे आपको बोला गया है हुज फंक्शनिंग डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आपको पता है ऐसा नहीं कि जो भी इंडो न्यूक्लियस हैं वो कहीं से नहीं काटते हैं उनका वो क्या करते हैं वो स्कैन करते हैं उनका स्पेसिफिक साइट होता है कहाँ से काटेंगे कहाँ से नहीं काटेंगे ठीक है वॉज आइसोलेटेड एंड करेक्टराइज फाइव ईयर लेटर पाँच साल बाद पता चला था हिंद टू आपका कट करता है डीएनए मॉलिक्यूल के एक पर्टिकुलर पॉइंट से ठीक है सिक्स बेस पेयर का वो पॉइंट होता है जैसे अगर इसकी प्रॉपर्टी आपको रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस की दिखाना चाहें तो इसकी प्रॉपर्टीज में आपको एक चीज़ लिखाना चाह रहे हैं कि ये आपका स्पेसिफिक साइट से हो कट करेगा इट इज़ वेरी स्पेसिफिक एंड इट विल ऑलवेज रीड पैलेंड्रामिक सीक्वेंस पैलेंड्रामिक सीक्वेंस नहीं मिलेगा तो काम नहीं करेगा हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का अपना पैलेंड्रॉमिक सीक्वेंस होता है फॉर एग्जाम्पल इको आर वन ईको आर वन का है जी ए ए टी टी सी सिक्स न्यूक्लियोटाइड का इसका एक इस सीक्वेंस है ओके व्हाट इज पैलेन्ड्रामिक सीक्वेंस पैलेन्ड्रॉमिक सीक्वेंस ऐसे सीक्वेंस होते हैं जैसे कि जो हम इद, जैसे जी ए ए टी टी सी ये फाइव प्राइम ये थ्री प्राइम तो इधर भी आपका जी ए ए टी टी सी मतलब हम उल्टा सीधा पढ़ें दोनों तरफ से हमारा सेम सीक्वेंस आए जैसे देखो इधर फाइव टू थ्री पढ़ रहे हैं जी ए ए टी टी सी इधर से पढ़ रहे तो भी जी ए ए टी टी सी ओके दैट इज पेलिंग टॉपिस फॉर एग्जाम्पल मॉम मॉम को आप इधर से पढ़ोगे तो भी मॉम आएगा इधर से पढ़ोगे तो भी आएगा मलयालम मलयालम आप किधर से पढ़ोगे वही आएगा मलयालम ऊपर नीचे लेकिन इसको लोग बहुत गलत समझ लेते हैं ठीक है सीक्वेंस में इसको क्या समझते हैं इसको लोग ऐसा समझ लेते हैं कि कुछ ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए प्राइमिंग सेम होनी चाहिए इतना समझ लेना जैसे जी ए ए टी टी सी है तो जी ए ए टी टी सी इधर अगर थ्री प्राइम है इधर अगर फाइव प्राइम है तो ये पैलिंड्रामिक नहीं होगा क्योंकि इधर फाइव टू थ्री पे सेम आ रहा है और इधर थ्री टू फाइव पे सेम आ रहा है दिस इज रॉन्ग सेम प्राइमिंग होगा तभी ठीक होगा फॉर एग्जाम्पल अगर ये सिक्वेंस यहां पर अगर फाइव होता यहां पर थ्री होता इस बात को हमेशा याद रखना ठीक है प्राइमिंग सेम सेम प्राइमिंग से सेम रीड होना चाहिए अपोजिट स्टैंड पे ये नहीं कि फाइव टू थ्री गट जी ए, ए टी टी से आ रहा है तो थ्री टू फाइव आएगा तो गलत हाँ नमन हो जाएगा मलयालम आ जाएगा मैम आ जाएगा बहुत नहीं में नमन है नितिन है बहुत सारे पैलेंड्रामिक सिक्वेंस हैं ओके okay, यही यहाँ पे बोला गया है कि उन स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नीशन सीक्वेंस बोलते हैं वो सिक्स बेस पेयर के जो होते हैं हिंद टू का देखो इसमें भी सिक्स का दिया हुआ है बट कौन सा है आपको बताया नहीं गया आज हम 900 हंड्रेड स्टूशन हमें पता है टोटल 230 हंड्रेड स्ट्रेन से निकाले गए हैं ठीक है और इनके नेमिंग में हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट लेटर जो इनके नेम का होता है जीनस रिप्रेजेंट करता है सेकेंड लेटर आपका स्पसीज रिप्रेजेंट करता है ठीक है थर्ड लेटर आपका रिप्रेजेंट करता है ये देखो इको आर वन में दिया गया है इस शराइजे आर वाई थर्टीन इको आर वन आर आपका क्या है आया है स्ट्रेन से स्ट्रेन कौन सा था रफ स्ट्रेन था रो, नोमन रोमन नंबर आपका क्या इंडिकेट करता है ऑर्डर जिसमें आइसोलेट किया था जिसको हमने रिस्ट्रिक्शन लिखा हुआ है मतलब एक्सट्रैक्शन या आइसोलेशन सभी की चीज़ है आरी आपका कहाँ से आता है न्यूक्लिएज में आता है इसकी क्लास न्यूक्लिएज है ठीक है दो तरह के होते हैं एक्सो एंडो और ये करता है एंड से एक्सो आपका रिमूव करता है एंड से डीएनए आपका स्पेसिफिक पोजीशन से कट करता है सब चीज़ आप पढ़ चुके हो देखो कितना जल्दी हो गया एनसीईआरटी मुझे बगल ही मुझे पढ़ाना चाहिए आर ई आपका क्या है फंक्शन इस कैसे आपका फंक्शन करता है ये सबसे पहले आपका इंस्पेक्ट करेगा लेंथ ऑफ डीएनए कि कितना है कैसा है बेसिकली स्कैनिंग के तरीके से वंस अगर ये अपना स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस इसको मिल जाता है तो फिर वहीं से ये ये आपका कट करना शुरू कर देता है ठीक है वही चीज है और बस इतना सा काम है इसका ये वाला पोर्शन किसी को समझ आया ये कट करने वाला और ना कट करने वाला समझ आया कि मैंने कुछ ज्यादा थोड़ा फास्ट नहीं बढ़ा दिया ओके okay, चल रहा है स्पीड टमाटर अब आज ये लोग दुनिया जहाँ के सारे सीक्वेंस ही ख़त्म कर देने हैं ओके <laughs> okay, आज बच्चे बहुत कम हैं रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस किसी को पढ़ना नहीं है कोई बात नहीं ओके okay. सो so, यहाँ पे आती है कट करने की आ, देखो कट करने का हम तुम्हें एक अच्छा सा एग्ज़ाम्पल आपको देते हैं उन्... क्या एग्ज़ाम्पल दें कोई एग्जाम्पल नहीं है छोड़ दो तुम लोग जानोगे चलो एक सिंपल सी बात आपको लेके जा रहे हैं कि एक टेलर के पास कोई भी सामान लेके जाओ <laughs> टेलर की मैंने जो पढ़ाया है साइड में वही वही चीज़ें हैं यहाँ पे अगर लेके जाओगे उन्हें तो उन्हें वो पहले देखेंगे कहाँ से कट करने पे कैसा शेप आएगा क्या आएगा वो पहले अपना मार्किंग वगैरह करते हैं समझते हैं उसके बाद शुरू करते हैं वही सेम चीज़ इसका है कि अपना देखता है ढूंढता है फिर यहाँ से अटैक करना है ठीक है तो वही काम है या फिर ऐसे समझ लो कि जैसे अभी आपको आप में से सबको मैंने वो बना दिया सी बना दिया और मैंने तुम लोग को भेज दिया एक मिशन पर मैंने कहा जाओ मिशन की इस इस चैनल का वन के सब्सक्राइबर्स पूरा करना है ठीक है और वन के हाँ सेवेंटी है ना एटी नहीं है वन के सब्सक्राइबर्स पूरा करना है जिससे कि मुझे कम्युनिटी पोस्ट मिल सके तो हम तुम लोग के लिए अपडेट्स वगैरह डाल सकें तुम लोग का हम सोच रहे हैं ना इस चैनल पे एक एक क्वेश्चंस का डेली क्विज़ रखेंगे डेली जो टॉपिक जो पढ़ाएंगे उससे डेली के क्वेश्चन का क्विज़ रखेंगे कम्युनिटी पोस्ट पे ही तो तुम लोग का सिंगल सिंगल क्वेश्चन भी अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो भी आप दो महीने में आपके 90 क्वेश्चन एम प्रैक्टिस होते हैं तो इस वजह से ना मुझे कम्युनिटी पोस्ट चाहिए तो मुझे वन के सब्सक्राइबर बहुत जल्दी करना है तो हाँ तो हम बात क्या कर रहे थे हम बात ये कर रहे थे कि जैसे हमने तुमको भेज दिया एक मिशन पे भेज दिया कि जाओ तुम जो है सब्सक्राइबर्स ले आओ तो तुम ठहरे तुम लोग ने तुम लोग क्या किए तुम उसको बहुत सीरियस समझ लिए तो एक बात बताओ अगर मान लो किसी स्कूल या किसी कोचिंग कहीं पे भी तुम जाओगे तो ऐसे थोड़ी ना कि तुरंत पकड़ के उसके सब्सक्रिप्शन करा लोगे नहीं पहले देखोगे समझोगे कि अच्छा ये हमारे पकड़ में आएगा ये आएगा कि ये नहीं आएगा ये उल्टा मार देगा ना तो तुमने देखा अच्छा ये कमजोर लग रहा है इसकी मम्मी ने आज खाना नहीं दिया है हाँ ये हमारी बात सुनेगा तो तुम उसको पकड़ के अटैक करोगे ना देर विल बी अ पॉइंट वन यू विल अंडरस्टैंड वॉट इज गोइंग ऑन अगर आपके सामने दस लोग को खड़ा कर दिया जाएगा आप समझोगे कि आप किस पे हिट कर सकते हो तो वही चीज यहाँ पे है कि हम पहले ये जो रिस्ट्रिक्शन एल्जाइम होते हैं ये पहले अपना देखते हैं और उनका फिक्स होता है कि हम इसी को दुश्मनी है मेरी हम इसी को मारेंगे इसी को तोड़ेंगे और किसी से इसकी दुश्मनी कुछ होती नहीं है सो सेम थिंग इज वॉट दे आर टॉकिंग अबाउट इलेवेंथ वाले. <laughs> वाले नहीं नहीं एलेवन्थ वाले नहीं हैं तुम लोग के दुश्मन हैं इलेवेंथ वाले बहुत अच्छे हैं और आप लोग आप लोग का ना ये वन शॉट अभी इस बार ना मेरा पता नहीं कितना पूरा होगा बट हम ना सोच रहे हैं नहीं कुछ नहीं सोच रहे हैं अभी हम तुम लोग को कुछ नहीं बताएंगे आई एम रियली वन के हो जाए तब बताते हैं आपने बुलाया है क्लास इलेवन को नहीं मैंने क्लास इलेवेंथ को नहीं बुलाया मैंने क्लास इलेवन्थ को बिल्कुल नहीं बुलाया ये ये ट्वेल्थ वाले हैं बदमाशी कर रहे हैं इनको अपनी वन शॉट करानी है तो इलेवंथ वालों को झूठ बोल के आ रहे हैं कि मैम ने तुम्हें बुलाई है अपना अपना अपने में लाइव स्टूडेंट बढ़ा लेंगे उसके बाद बोलेंगे मैम मेरा वन शॉट करा दो बेटा बहुत तेज़ हो रहा है तुम लोग हाँ इलेवंथ वालों को ट्वेल्थ की क्लास में बुला रहे हो ओके सो ईच रजिस्ट्रिक्शन पहले इंस्पेक्ट करेगा जब अपना स्पेसिफिक डीएनए रिकॉग्निशन साइट तो वहाँ से बाइंड करेगा है ना बाइंड करके बाद डीएनए को कट करेगा दो स्टैंड में डबल स्टैंड को और उनके शुगर फॉस्विटी तो होते हैं आपको पता है ना न्यूक्लोटाइड के बीच में शुगर फॉस्फेट होते हैं तो उस बॉन्ड को ब्रेक करता है फिर आपका ये हम समझा रहे हैं यहाँ पे ये आपको हम यहाँ पे समझाएंगे ओ ईशेश्वरी कितने तेज बच्चे हैं नो ओ गॉड कितना तेज हो तुम लोग कितना सही लोग ट्रिक कर रहे हैं इलेवंथ वालों को इलेवेंथ वाले जिसमें पागल ही है मुझे भी लग रहा है तुम लोग बेटा कल तुम्हारे में सेवेंटी थे इनके में ऑलरेडी एक दिन एट्टी है इनके में ऑलरेडी एक दिन एटी है अभी ट्वेल्थ वाले वैसे भी आगे चल रहे हैं अगर आप इनकी क्लास में आओगे ना तो फिर हो गया फिर वन शॉट इनका होगा तो फिर तुम लोग चिल्लाना नहीं अच्छा वही हम सोचते थे ये कुछ तो हो रहा है ओ गॉड कितने तेज बच्चे हैं लोग एक्शन एक्शन कैसे करता है एक्शन रिस्ट्रिक्शन इंजाइम कैसे करता है लेट्स लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एक्शन थिंग और डी एन गेज कितना बचा हुआ है hmm, बहुत है भी ज़्यादा नहीं है खैर एक दिन मुझे समझाना है रिस्ट्रिक्शन इन्सर्शन वाला ओहो oh, हो oh, oh, काफ़ी है ये देखिए ये यहाँ पे देखिए आपको एकदम अच्छे समझ आ जाएगा कैसे आपका ये कट करता है देखो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक बहुत स्पेसिफिक पॉइंट याद रखना कि सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम यूज़ करेंगे कटिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड वेक्टर जो हमारा वेक्टर होगा और जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा अगर हम सेम से कट करेंगे तभी हमारा काम होगा नहीं तो काम होगा नहीं यहां पे देखो इन्होंने वेक्टर डीएनए लिया यहां पे इको आर वन लगाया इको आर वन की खास बात होती है हमेशा जी और ए के बीच में कट करता है इसको याद रखना ये देखो जी और ए के बीच में यहां पर भी कट कर रहा है मिडल से थोड़ा सा दूर ठीक है यहां पे देखो इन्होंने कट किया तो आपका ये ये इतना कट के उड़ गया ये इन्होंने जी के एक बीच में ना ये इतना कट के ये हट गया ये आपका साइड हो गया तो ये इतना आपका बचा इन्होंने फॉरेन डीएनए को भी यही जी और ए के बीच में काट कर दिया तो देख रहे सेम स्टिकी एंड आ रहे हैं तो सेम स्टिकी एंड आने की वजह से ये क्या करते हैं यहां पे आके अपने आप जुड़ जाते हैं डीएनए लाइगेस की हेल्प से और ये इस वक्त रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमेशा हमने आपको बताया कि वेक्टर डीएनए में फॉरेन डीएनए जोड़ दो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा अच्छा एंडो दो तरीके से काट सकता है ठीक है एक तरीका ये स्टिकी एंड इसको बोलते हैं कट करना एक होता है ब्लंट एंड ब्लंट एंड में क्या होता है अगर मान लो इसने ऐसे काट दिया ये बीच से ये यहां से ऐसे काट दिया पूरा और ये इसको ऐसे काट दिया तो आपका डीएनए कुछ ऐसा बन जाएगा तो ये क्या होते हैं अच्छे से चिपकते नहीं है ओवर हैंगिंग जब आपके स्टैंड होते हैं अपने आप आके बहुत इजीली स्टिक हो जाते हैं तो हमारे आपके यूज में हमारे बायोटेक के यूज में हमेशा स्टिकी एंड वाला कट आएगा ठीक है और कुछ है नहीं अब यहां पे पैलेंड्रामिक सीक्वेंस में आपको मलयालम वाला एग्जाम्पल दिया तो कि तुमने ऑलरेडी पच्चीस दे दिया है और यहां पे देखो पैलेंड्रामिक सिक्वेंस के डेफिनेशन दी है ये आपको पता होना चाहिए पैलेंड्रॉम डीएनए एन सिक्वेंस में क्या होते हैं जो बोथ स्टैंड पे सेम रीज करें और ऑरिएंटेशन भी सेम हो ऑरिएटेशन बेसिकली प्राइमिंग का बात कर रहा है ये तुम्हारा वन मार्क्स का है पैलेंड्राम तुम्हारा आता है विद एग्ज़ाम्पल लुक एट दिस ये तुम्हारा इको आर वन का दिया है ओके okay, और ट्वेल्थ फॉलो का टेस्ट है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में मैंने आपको बताया है कि सेंटर से थोड़ा सा दूर काटता है अगर आप ध्यान से देखो जी ए टी टी सी उसका सेंटर क्या था ए और टी के बीच में था लेकिन उसने काटा कहां पे जी और ए के बीच में लेकिन दोनों स्टैंड पे सेम बेस पेयर के बीच में ही काटता है लुक एट दिस ये देखो यहां पर भी सेंटर से नहीं काटा सेंटर से काटता तो यहां से काटता लेकिन ये सेंटर से दूर काटा इस स्टैंड पे भी जी और ए के बीच में काटा इस स्टैंड से भी जी और ए के बीच में काटा वही सेम चीज़ यहां पे है ओके अपोजिट साइड में स्टैंड सेम होंगे इस चीज़ को याद रखना दो ओवर हैंगिंग स्टिकी एंड आ जाते हैं ठीक है क्योंकि उसके बाद वो बहुत आसानी से आपकी जुड़ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री अगर होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा बीच में और क्या सिंपल आपकी नॉर्मल मॉलिकुलर बेसिस ठीक है और जो कुछ बचा रहेगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड वहां पे हम डीएनए लाइगेज लगा के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना के जोड़ देंगे चिपका देंगे हमेशा जहां भी चिपकाना हो डीएनए लाइगेज लगा दो रिस्ट्रिक्शन इंटू न्यूक्लियस को हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाने में हेल्प करते हैं और क्या ही यूज़ करते हैं बस ये इतनी सी चीज़ है क्या हो रहा है ये क्लास में कुछ और ही मस्ती चल रही है ओ गॉड जब डीएनए को हम लोग डीएनए को जब हम कट करते हैं सेम ये देखो ये यहाँ पे बात की गई कि हमें सेम रिस्ट्रिक्शन इन्ज न्यूक्लियस से ही एंजाइम से हम कट करेंगे तभी आपके डीएनए के सेम स्टिक एंड आएंगे तभी वो जोड़े जा सकते हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ये देखिए यहाँ पे क्या किया गया यहाँ पे फॉरेन डीएनए है फॉरेन डीएनए और ये वेक्टर डीएनए है इनको सेम से कट किया गया सेम से कट किया गया तो सेम टाइप के एंड आए ये देखो यहाँ पे बीच में खाली था ये देखो यहाँ पे ये वाला पोर्शन आके जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था इसको जोड़ दिया गया इसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उठा के यहाँ पे डाल दिया किसी भी होस्ट सेल में डाल दिया तो वो बैक्टीरिया आपकी बन गई ट्रांसफॉर्मिश बैक्टीरिया और ये फिर डिवाइड कर दी ये हो गया जीन क्लोनिंग ये पूरा स्टेप है तुम्हारा तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो ऐसे फास्ट पढ़ाएंगे इतना समझ लो क्या क्या किया ये वैसे तुम लोग को आना ही चाहिए कुछ नहीं ये यहां से यहां तक आपको पढ़ाया गया रिकॉम्बिनेशन ये जो स्टेप आपका है ना ये आर डीएनए है आर डीएनए या फिर किसी भी डीएनए को होस्ट सेल में डालना उसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं और उसके बाद फिर ये देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ये पूरी पूरी ये पूरी पूरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी भी होस्ट सेल में डालना इस पूरे को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं ठीक है यही इतना सा काम है और इसको ना कल हम थोड़ा तुम्हें आ, फ्लो चार्ट पे पढ़ाएंगे ठीक है अच्छा एक बात बताओ आ, हमारा एक और प्रॉब्लम आ जाती है प्रॉब्लम बहुत आसान है कि हमने मान लो ये हमारा डीएनए है ठीक है लुक एट दिस ये अगर हमारा डीएनए है आ, 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 ये अगर हमारा डीएनए है पूरा हमने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस काट दिया यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काट दिया अब क्या हुआ हमारा डीएनए के तीन टुकड़े हो गए ये देखो ठीक है लेकिन हमें पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा डीएनए का टुकड़ा हमारा जीन है यहां से अपना जीन कैसे निकाले मान लो ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है तो अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट करने के लिए हमारे पास बहुत सिंपल सी टेक्निक होती है दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस में क्या करते हैं कुछ नहीं सिंपल सी बात है ट्रे लेते हैं और यहाँ पे छोटे छोटे वेल्स होते हैं वेल्स मतलब ऐसे उसमें हम डीएनए अपना डाल देते हैं ये देखो यहाँ पे अगर मान लो डीएनए अपना यहाँ पे डाल दिया पूरा ओके डीएनए हमने डाल दिया फिर यहाँ पे क्या करते हैं इसको चार्ज से अटैच कर देते हैं मान लो इधर हमने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया सॉरी इधर हमने मान लो निगेटिव चार्ज लगा दिया कैथोड एनोड कनेक्ट कर देंगे और क्या इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव उसके बाद हमने यहाँ से स्विच ऑन कर दी स्विच ऑन कर दी इसके अंदर हम लोग क्या डालते हैं इसके अंदर हम लोग पहले से एगरोज जेल डाल के रखते हैं जेल जेल में आपका डीएनए दौड़ सकता है रन कर सकता है बाय सीविंग इफेक्ट ठीक है फिर यहाँ पे क्या होता है डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है फिर डीएनए एन ए यहाँ पर भागने लगता है और जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे पीछे रह जाता है जो डी का टुकड़ा सबसे छोटा होता है वो सबसे आगे आ जाता है जो मिडल में होता है मिडल में हो जाता है बहुत सिंपल सी बात है क्योंकि डीएनए पे होता है निगेटिव चार्ज डीएनए पे होता है निगेटिव चार्ज तो इतना तो तुम्हें पता है कि निगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है ठीक है निगेटिव ने किया पॉजिटिव को अट्रैक्ट अपने आप आ जाएगा ये सिंपल सी बात है अगर एक रेस में आप दस लोग को दौड़ा दो एक सबसे मोटा एक सबसे बड़ा एक सबसे उससे छोटा उससे छोटा तो जब छोटा होता तो है सबसे आगे भागता है क्योंकि उसको छोटी सी जगह चाहिए वो एकदम भागते जाता है तो एग्रोस जेल क्या है एक जेली लाइक सब्सटेंस है तो उसमें जो छोटे वाले होते हैं वो आपके एकदम समझो से थोड़ा थोड़ा छनते छनते एकदम आगे भाग जाते हैं तो यहां से आपके क्वेश्चन आते हैं कि डीएनए जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस में किस बेसिस पे आपका सेपरेट होता है तो साइज के बेसिस पे ठीक है रन किसके बेसिस पे करता है चार्ज के बेसिस पे ठीक है क्योंकि नेगेटिव है तभी पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है फिर मान लो हमने देख लिया क्योंकि हमें पता होता है कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी ऑलमोस्ट साइज कितनी होगी ठीक है हमें उतना गैस होता है तो हम क्या करते हैं इस इस पूरे एग्रोस जेल को पीस को हम कट करके यहाँ से निकाल लेते हैं ये एग्रोस जेल है फिर उसके बाद हम इसको क्या करते हैं इस स्टेप को कि जहां पर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको पूरा पूरा वहां का एग्रोस जेल को हम उठा लें डीएनए के साथ ठीक है जैसे एक सिंपल सी बात है कभी देखियो कभी हनी या घी में अगर कुछ पड़ जाता है तो मम्मी लोग देखो क्या करती है मान लो घी है जम गया है वहां पर अगर मान लो छोटा सा टुकड़ा है कुछ भी पड़ गया है एनीथिंग कोई भी डस्ट तो बेसिकली उस पोर्शन को स्पून से करके हटा लेती है उसके बाद उसको फेंक देती हैं वही सेम चीज यहां पे है कि ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है यहां पे एगरोज जेल अगर तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा है ऐसे रखो एग्रोज जेल जब हम हीट करते हैं तो वो आपका मेल्ट हो जाता है जब वो रूम टेम्परेचर पे रहता है ठंडा रहता है तो वो आपका जैसे वैसलिन होती है ना वैसलिन के तरीके से होता है ठीक है तो इस पूरे एग्रोस जेल के साथ डीएनए को उठाना इसे हम इल्यूजन बोलते हैं इस स्टेप को याद रखना दिस इज इल्यूजन फिर हम क्या करेंगे इसको यहां पे मेल्ट कर देंगे मेल्ट कर दिए तो हमारा एग्रोस जेल मेल्ट हो गया जीन जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा आ गया अब हम इसको निकाल के वेक्टर में अपने, अपने अटैच कर देंगे सिंपल सी बात है तो जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस से बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं लेकिन आपको पता है ये जो बैंड बनते हैं बैंड हम नॉर्मली देख नहीं सकते हैं तो इसकी विजिबिलिटी के लिए इसकी विजिबिलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं इस पर यूवीरेज डालते हैं अगर यूवी रेज नॉर्मल डीएनए पे डालेंगे तो ग्लो नहीं करेगा इसलिए जब हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स बना रहे होते हैं जो इलेक्ट्रोफोर्सिस कर रहे होते हैं उस टाइम पे हम इस पर एक डाई डालते हैं ऑरेंज कलर की डाई जिसको हम बोलते हैं इथीडियम ब्रोमाइड क्या बोलते हैं इथीडियम ब्रोमाइड इथीडियम ब्रोमाइड की वजह से क्या होता है हल्का सा ऑरेंजिश कलर आता है तो जब इस इसपे हम यूवी रेज डालते हैं तो विजिबल हो जाता है कहाँ पे कितना कितना बड़ा हमारा डीएनए बैंड है जिसको नहीं समझ आ रहा है ऐसे समझो हमारे पास बहुत सारे डीएनए है हमें पता नहीं है कि कौन सा डीएनए में निकालना है हमें उसकी अप्रॉक्सीमेट साइज पता है हमने क्या किया एक बॉक्स रखा बॉक्स में हमने जेल एग्रोस जेल डाल दिया जो कि एक सी वेट से निकाला जाता है ठीक है एगरोज जेल डाल दिया उसके बाद सारे डीएनए छोटे छोटे वेल में हमने डाल दिए फिर उनको साइज के बेसिस पे दौड़ा दिया दौड़ा दिया अब हमको पता है कि अच्छा ये उसके बाद हमें दिखेगा नहीं फिर भी नहीं दिखेगा हम लोग क्या करेंगे जब डीएनए को एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस करा रहे थे उसी वक्त हमने उसमें कलर डाल दिया था इथीडियम ब्रोमाइड ठीक है तो हम जब उस पर यूवी रेस डालेंगे तो ग्लो होगा कि यहां पे इतना बड़ा यहां पे इतना बड़ा यहां पे इतना बड़ा ठीक है तुम्हें ऐसे नहीं समझा रहा ऐसे समझो हम आपको समझा रहे हैं कि हमारे पास हमारी क्लास में पंद्रह बच्चे हैं अब हमें बचा है कि हमें एक बच्चा चाहिए जो सबसे तेज है और मुझे उसकी अप्रॉक्सीमेट साइज़ पता है कि वो कुछ इतना बड़ा है ठीक है अब भीड़ बहुत है तो हमने क्या किया हमने एक रेस रख दी हमने दौड़ा दिया ठीक है उसके बाद अब उसमें सेलेक्ट कर लेंगे जब सब अलग 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 हो गए तो या फिर एक होता है ना कि साइज के अकॉर्डिंग अगर हमने लाइन में खड़ा कर दिया ठीक है तो हमें पता चल जाएगा कि सबसे छोटा बच्चा कौन सा है तो हम उसको निकाल लिए वही सेम चीज यहाँ पे एक हमारे पास डीएनए के बहुत सारे फ्रेगमेंट आते हैं हम उसको क्या करते हैं साइज के बेसिस पे अरेंज कर देते हैं लेकिन वो इतने छोटे होते हैं उन्हें हम नॉर्मली अपने हाथों से नहीं कर सकते इसके लिए हम जेल फोर्स कराएंगे जेल इलेक्ट्रो फोर्सेस में क्या होता है चार्ज की वजह से डीएनए निगेटिव होता है पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है और वो आपका ऑटोमेटिकली साइज के बेसिस पे अरेंज हो जाता है ठीक है फिर भी हम हाथ नहीं लगा सकते हमें निकालने के लिए स्पून से उसे क्या होना पड़ेगा इल्यूजन प्रोसेस के थ्रू निकालना पड़ेगा ठीक है इल्यूजन से निकालेंगे मेल्ट करेंगे हमारा डीएनए हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आ जाएगा और कुछ यहाँ पे है नहीं आज देखते हैं यहां पे क्या क्या समझाया गया है ठीक है ये यह यहाँ पे बोला गया है कि अब यहाँ पे बोला गया है कि अगर हम एक कट लगाते हैं वेक्टर में सोर्स ऑफ डीएनए आप वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सेम होना चाहिए वे बात को रिपीट कर रहा है ठीक है यहाँ पे बोला गया है कि हम लोग डीएनए को कट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जिसकी वजह से डीएनए के बहुत सारे टुकड़े आ जाएंगे उनको हम किस बेसिस पे पर सेपरेट कर सकते हैं जेलोक्ट्रोफोर्सेज सेपरेट कर सकते हैं आपको बोला गया डीएनए पे एन निगेटिव चार्ज होता है इसकी वजह से वो पॉजिटिव से अट्रैक्ट होते हैं अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दें और एक मीडियम डाल दें ठीक है तो वो आपके पॉजिटिव पे अट्रैक्ट हो जाएंगे ये जो मैट्रिक्स या मीडियम है वो एग्रोस जेल है जैसे कि मान लो हम किसी को ग्राउंड में दौड़ा दें तो ग्राउंड क्या हो गया वो मैट्रिक्स हो गया जहां पे वो दौड़ेंगे वही तर, उसी तरीके से एग्रोस क्या हो गया मैट्रिक्स हो गया जहां पे डीएनए आपके दौड़ेंगे ठीक है ये पूछा गया एग्रोस कहाँ से निकाला जाता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सी वीड से निकाला जाता है ठीक है और डीएनए फ्रेगमेंट आपके क्या करेंगे सेपरेट हो जाएंगे साइज के बेसिस पे सीविंग इफेक्ट सीविंग इफेक्ट होता है ना धीरे धीरे छन के हल्का भागना उसे सीविंग इफेक्ट बोलते हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन नोट डाउन करो ठीक है इस जितना छोटा फ्रेगमेंट उतना आगे होगा वो जितना ओके ये बहुत सिंपल सी चीज़ है और इसके बेसिस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे सैंपल पेपर में क्वेश्चन है तुम्हें दिया गया है तुम्हें ऐसे पूछ लिया जाएगा कि ऐसे ऐसे डायग्राम बना दिया जाएगा यहां पे तुम्हारे वेल्स दिए रहेंगे और यहां पे तुमसे पूछ दिया जाएगा कि 200 केवी का एक कहां पर है और हज़ार केवी का कहां पर है तो दो केवी वाला सबसे आगे होगा और हज़ार केवी वाला सबसे पीछे होगा तो वो तुम्हें सिंपल सा लॉजिक लगा के समझना होगा तुम्हारे सैंपल पेपर में है ये और जेल इलेक्ट्रोफोसिस इंपॉर्टेंट है तो इसलिए पढ़ो डीएनए फ्रेगमेंट को कहाँ पे बोला गया कि हम लोग नॉर्मली विजुअलाइज नहीं कर सकते इसलिए हमें स्टेनिंग करना पड़ता है थीडियम ब्रोमाइड से बाद में स्टेनिंग नहीं करते हैं जब डीएनए डालते होते हैं उसी वक्त डाल देते हैं तो जब हम यूवी यूविर उस पर एक्सपोज करते हैं तो आपका विजिबल हो जाता है ब्राइट राइट ऑरेंज कलर के बैंड बन जाते हैं थीडियम ब्रोमाइड की वजह से यूवीरो पर एक्सपोज करने की वजह से दिखते हैं फिर उन बैंड को हम सेपरेट करते हैं कट करके एक रोज़ जल से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इसको हम इल्यूजन बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वन मार्क्स वॉट इज इल्यूजन ठीक है और हमारा इसी के साथ फिर डीएनए फ्रेगमेंट को हमने क्या किया प्योरीफाई कर लिया फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए छोड़ दिया काम खानी खानी खत्म अब हम पढ़ाते वेक्टर ठीक है क्लोनिंग वेक्टर तुम लोग को हम ना एक दिन में हम पूरा चैप्टर तुम्हारा खत्म कर देंगे समझ आया वैसे समझने में कोई दिक्कत नहीं तुम लोग मेरी स्पीड से इतना वाकिफ हो चुके हो ना इससे हम चार गुना भी तेज़ पढ़ा दे तो भी तुम्हें समझ आ जाएगा किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो मेरा मन कर करें ये भी पढ़ाई दें क्लोनिंग क्लोनिंग भी पढ़ाई दें क्लियर एकदम एक्चुअली जेल इक्ट्रोफोर्स तुम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो इस वजह से मैंने इसको काफी फास्ट पढ़ा है बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे तुम पढ़ चुके हो चालीस बार तो पढ़े हो इसको और इसमें वैसे भी तुम्हें दिक्कत होती नहीं है कोई दिक्कत हाँ अनन्या हो गया एनी वन अजीत अब बस करें ओके हैव फन चलो ठीक है तो मिलते हैं तुम लोग को कल क्लोडिंग वेक्टर पढ़ाते हैं ये जितनी जल्दी होगा ना उतनी जल्दी तुम्हें हम इसका वो पढ़ाएंगे ये आपका क्लोनिंग वेक्टर हो गया क्लोनिंग वेक्टर के बाद फिर आपका आ जाएगा ये दो दिन में तुम्हारा खत्म है चैप्टर एक दिन हमारा ये एक ही दिन अच्छा खासा टाइम लगेगा जिस दिन हम तुम्हें सिलेक्शन पढ़ाएंगे क्योंकि सिलेक्शन बच्चों को नहीं आता है सिलेक्शन पढ़ाएंगे और तुम लोग से मिलते हैं कल मिलते हो थोड़ा शेयर करो यार ओके बाय बाय सी यू